हे एवरीवन, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग रेस्टोरेंट वाली खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट वाली खिचड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले आपको 3 कप चावल लेने हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं और उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। और इधर आपको मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल लेना है। दाल और चावल का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी ये खिचड़ी रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। जैसे मैं यहाँ पे 3 कप चावल ले रही हूँ तो 3 कप दाल लूँगी। चलिए देख लेते हैं हमारा चावल कुक हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, तो चावल 70% कुक हो चुका है। हम उसको प्रॉपर, मतलब 100% चावल जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही कुक करेंगे। अब इधर मैं एक कुकर में तीनों दाल डाल दे रही हूँ। इसमें नमक, हल्दी और तेल डाल के 2 सीटी आने के लिए छोड़ दे रही हूँ। दाल बिल्कुल हमारा ऐसा ही होना चाहिए, इसी कॉम्पोजिशन में दाल हमारा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इधर हमारा चावल भी प्रॉपर कुक हो गया है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग भगवान जी को दे देते हैं। अब इधर मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा सा तड़क जाए तो फिर उसमें हम लोग प्याज, कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब प्याज का कलर थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा, मतलब पिंकिश पिंकिश टाइप का हो जाएगा, तब हम लोग इसमें मिर्ची और अदरक डालेंगे। फिर थोड़ा कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और नमक डाल के थोड़ा सॉटे होने देंगे। टमाटर हमारा जब सॉफ्ट हो जाएगा तब ये राइट टाइम होता है हमारा ये दाल और चावल को डालने का। अब आपको दाल और चावल को डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपको ज़रूरत लगे कि पानी डालना है तो उसमें पानी डाल के इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना लीजिए, आप जैसा भी खाते हो। मुझे ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रही हूँ। पानी डालने से नमक का स्वाद कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप एक बार चेक करके नमक डाल दीजिए। मैं भी थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, आप भी डाल दीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। अब कुकर को साइड में रख के थोड़ा ढक के रख दीजिए और इधर एक पैन पे तेल गरम कीजिए। उसमें जीरा, राई, लहसुन और मिर्च डालना है। अब इसको थोड़ा सा सॉटे होने दीजिए। जब ये थोड़ा अच्छे से सॉटे हो जाएगा उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। जैसे ही आप लाल मिर्च डालिएगा, लाल मिर्च जल सकती है, इसलिए आपको अपना गैस ऑफ कर देना है और जल्दी से तड़का लगा देना है। मेरे पैन पे जो भी तड़का बचा हुआ था वो मैं उतार ले रही हूँ। अब इसको धनिए के साथ आप गार्निश कर लीजिए। आप देख सकते हैं मेरी खिचड़ी की कंसिस्टेंसी कैसी है, मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ। खिचड़ी अब सर्व करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर प्याज, मिर्ची का अचार और घी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको ट्राई कीजिए, मेरी गारंटी है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही बनती है। मैंने खुद, मेरे घर पे खुद ऐसा ही बनता है। जब भी मुझे कुछ भारी या फिर कुछ मेहनत वाला बनाने का मन नहीं करता तो मैं ये खिचड़ी बनाती हूँ। मन मेरा पूरा खुश हो जाता है ये खिचड़ी खा के और पेट भी